कोरोना वायरस की दहशत के बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिल गया है। शिवराज सिंह चौहान ने बीते कल चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान को राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब इन सबके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान इन्हीं सब पर सामने आ गया है। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बधाई दी, अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने और चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने पर शिवराज सिंह चौहान जी को हार्दिक बधाई। प्रदेश के विकास, प्रगति और उन्नति में मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। शिवराज सिंह चौहान के शपथ लेते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दिग्विजय सिंह ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मध्य प्रदेश की जनता ने जिस मामा से मुक्ति के लिए जनादेश दिया, जिसके भ्रष्ट शासन को बदलने के लिए कांग्रेस को विश्वास दिया, बीजेपी ने धन बल और छल बल से उसी को पुनः मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी। जनता सब देख रही है, वक्त आने पर जवाब लेगी। बता दें आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कमल हाथ में पकड़ने के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों के बगावत करने और सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने के बाद कांग्रेस सरकार अल्पमत में आई, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दिया और बीते कल शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिस पर काफी अहम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, क्योंकि ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिनके साथ के बलबूते कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता में आई और ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिनके साथ छोड़ देने के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।